हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन एक और दो और तीन दिया गया है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको लेंगे, 135 और 225 है। तो 135 और 225 में बड़ा कौन सा है, सबसे पहले बड़ा वाले को लेते हैं। तो 225 बड़ा है, ठीक है, 225 बड़ा है, तो हम 225 को लिए, इसमें 135 से भाग करेंगे। 135 से 225 में 135 से आप कहीं अलग जगह पर भाग दीजिए, हम यहाँ पर दे देते हैं 135 से भाग देते हैं 225 में, ठीक है। एक बार में लगेगा 135 जीरो, 12 से 3 9 और 1 कट गया। देखिए भागफल 1 और शेष 90 आया, तो भागफल 1 आया तो गुना 1 से करेंगे और शेष 90 आया तो इसमें 90 जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे आपको दिखाए इस प्रकार से आपको भाग देना है, ठीक है। चलिए इसको हम साइड कर देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, अब इस 135 को हम यहाँ पर लिखेंगे और अब इसमें जो शेष बचा था 90, उस 90 से भाग देंगे, और ये काम तब तक करेंगे जब शेष जीरो ना बचे। अब 90 से 135 में भाग दीजिए, तो 90 से 135 में एक बार में लग जाएगा 90, 5 और 9 4 13 45, तो हमारा शेष अब 45 बचता है। भागफल 1 आया तो 1 से गुना किया, शेष 45 बचा तो 45, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम साइड कर देते हैं ताकि यहाँ का जगह जो है क्लीन रहे, आपको समझ में आए, इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 90 को उठाएंगे, 90 और 90 में हम भाग देंगे 45 से, आपको पता है 90 में 45 से भाग देंगे, 45 से, तो मात्र दो बार में लग जाएगा, दो बार में 45 दुना 90 होता है और शेष कुछ नहीं बचेगा, तो जीरो दे देंगे, जीरो शेष आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा हमको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, वो हम लिख देते हैं 225। इस प्रकार से हमने इस सवाल को देखे, किस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। वीडियो को आप लाइक कीजिए। अब हम दूसरा सवाल जो है 196 और 38220 को लेते हैं। इस सवाल को हम क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रकार की परेशानी ना हो। चलिए इसको हम साइड कर दिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आगे हम दूसरा सवाल लेते हैं 196 और ये सवाल लेते हैं। चलिए 196 दोनों में बड़ा कौन है, तो 38 दूसरा सवाल है, दोनों में बड़ा है 38220, 38220 लिए। अब इसमें 196 से भाग कीजिए, कितना बार में लगेगा, आपको इसमें भाग देते रहना पड़ेगा और हम लोग पढ़ाते हैं तो हमको ये चीज़ याद है, इसमें आपको 195 बार में भाग लग जाता है, 195 बार में बिल्कुल कट जाता है और शेष जीरो आ जाता है, ठीक है। पहले ही लाइन में शेष जीरो आ जाता है, तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं, आपको बता दें इसी चीज को अभी हम आपको लिख करके बताते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए इसी चीज को हम लिख देते हैं जो उसमें लिखे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग क्या अब बताते हैं। इसमें हम लिखेंगे 38220, 38220 तथा 196 का एच सी एफ हमको 196 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह हमारा सवाल सॉल्व हुआ। आपको याद रखना पड़ेगा या आप भाग भी दे सकते हैं ध्यान से, ठीक है, भाग देकर भी समझ सकते हैं। चलिए अब हम तीसरी सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल जो है इस बार के बिहार बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से सवाल पूछा गया था। चलिए अब तीसरा सवाल की ओर चलते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं साइड। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने। अब यहाँ पर इसको हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखिए हम इस सवाल को लेते हैं, इस सवाल को लेते हैं, सॉरी, इस सवाल को 867 और 255 दोनों में बड़ा कौन सा है, 867 तीसरा सवाल हमने लिया,
867 बड़ा है, इसमें हम 255 से भाग देंगे, 255 से 867 में हम भाग देंगे, 255 से भाग देंगे, ठीक है, 255 से भाग देंगे। अब इसमें कितना से भाग लगेगा, कितना से, तो 867 को लिखते हैं और इसमें हम 255 से भाग देते हैं, 255 से 867 में जो है तीन बार में लग जाएगा, तो 5 3 15 बाकी एक, 5 3 15 1 16, फिर बाकी 1 2 3 6 1 7, 765 आ जाता है। अब 7 से 5 गया 2, 6 से 6 0, 8 से 7 1, 102 शेष बचता है, भागफल हमको 3 आता है, तो हम 3 से गुना करेंगे, शेष 102 बचा, तो 102 हम जोड़ देते हैं। अब इसमें जिससे भाग दिए थे, इसमें 255 में, 255 में हम जो शेष बचा था 102, इससे भाग देंगे, ठीक है, इससे भाग देते हैं, तब तक इसको हम लोग कर देते हैं साइड, ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं साइड ताकि हम लोग को दिक्कत नहीं। आगे 102 से 255 में मात्र दो बार में लग जाएगा, दो बार में कितना, 204 होगा और हमको शेष बच जाएगा 51। तो कैलकुलेशन ध्यान से जरा करना है ताकि गलत नहीं हो। 102 में अब हम भाग देंगे, 102 में 51 से भाग देंगे, 102 में भाग देंगे हम लोग 51 से, चलिए तो 51 शेष बचा था, 51 से दो बार में 102 होता है, शेष हमारा 0 बचता है। तो यहाँ भी हमको वही चीज़ लिखना पड़ेगा, कौन सा चीज़, ये चीज़ जो उसमें हम लोग लिखे थे, यहीं से हम लोग कॉपी कर लेते हैं ताकि आपका कम समय हम लोग ले सकें। देखिए हमने यहाँ पर लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ अंक चेंज होंगे, तो जल्दी हम इसको चेंज कर देते हैं। चलिए देखिए, चलिए यहाँ पर जो है हो जाएगा हमारा 867 तथा 255 का HCF हमको कितना प्राप्त होता है, 867 और 255 का HCF हमको 51 प्राप्त होता है, 51, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए आगे बढ़ते, दूसरा सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। सेकेंड सवाल हमारा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए ये हमको साबित करना है, दर्शाना है, तो हम साबित इसको करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हम इसको साबित करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जो रूल्स होते हैं वो क्या है, हम आपको बताते हैं। चलिए आपको एक बात बताते हैं, जैसे दो से आप पाँच में भाग दीजिए, दो बार में लगेगा, 2 2 4 एक बचता है शेष, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, बचपन में आप लोग भाग पढ़े होइएगा, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये लिखते होइएगा, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यूक्लिड विभाजन में हम इसको लिखते हैं ए, इसको भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेष को आर, तो हो जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है वही बस रूप बदल गया है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम इसको लिखते हैं। इसी का काम यहाँ पर होना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 6q+1 दिया है, इसको हम b मानेंगे, ये q है, और प्लस 1 को r मानेंगे, ये हमारा शेष हो जाता है, बिल्कुल वही एग्जैक्ट है। चलिए करते हैं इसका काम तमाम, आप इस बात को समझ लिए, आगे हम आगे की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं, इस चीज को समझेंगे, a पर a बराबर बी क्यू प्लस आर को, ठीक है। चलिए देखिए अब जो है हम यहां पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व और मान लेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक
बराबर ए, ए ही मानेंगे इसमें, क्योंकि आपको पता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि यही कहता है, तो इसीलिए ए माने। तो बी बराबर भाजक बराबर क्या होगा, बी बराबर छः होगा ये, क्योंकि बी क्यू प्लस आर, तो बी हमको छः दिया हुआ, ठीक है, बी हमको छः दिया गया है, बी बराबर छः तथा आर बराबर, आर बराबर शेष क्या होगा, तो देखिए शेष हमेशा भाजक से कम होता है, तो ए जीरो हो सकता है शेष, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकता है, ये हमारा शेष हो सकता है, तो शेष ये इसमें से कोई हो सकता है, जहाँ 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 जीरो जो होगा जीरो से बड़ा और बराबर हो सकता है शेषफल, लेकिन शेषफल से भाजक बी क्या होगा हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको पता है सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो वहीं पर हम चलेंगे, आपको बोला धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमको विषम ही लेना है, तो पहला विषम है एक, r बराबर एक के लिए, r बराबर एक के लिए, अब देखिए r बराबर एक के लिए चलेंगे, r बराबर एक के लिए चलेंगे, तो हमारा होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं, तब तक चलिए r बराबर एक के लिए, तो a बराबर b का मान देख लीजिए छः है ना, छः छः, उसके बाद देखिए q अब प्लस r, r का मान देख लीजिए आपको कितना, हम एक ले रहे हैं तो r का मान एक, तो a बराबर सिक्स क्यू प्लस वन आ गया, यही लाना था पहले भी, दूसरा है सिक्स क्यू प्लस थ्री, अब हम चलेंगे r बराबर थ्री के लिए, थ्री के लिए इसको समीकरण एक आप मान लेते हैं, ठीक है, अब थ्री क्योंकि विषम पूर्णांक ही बोला तो विषम ही लेंगे, होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b का मान तो सिक्स है, सिक्स क्यू और प्लस आर का मान हम थ्री लिए हैं, इसको समीकरण दो बोलेंगे, आपका ये भी आ गया, तीसरा तीसरा हम लेते हैं, तीसरा लेते हैं, चलिए तीसरा हम आर बराबर फाइव के लिए, आर बराबर फाइव के लिए को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, r बराबर फाइव के लिए दिख रहा है, तो r बराबर फाइव के लिए लेंगे, क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर मतलब a बराबर b का मान सिक्स, q प्लस r का मान फाइव, समीकरण तीन हो गया, ठीक है तीनों आ गया, हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक दो तथा तीन से यह साबित होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री तथा सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का हो सकता है, ठीक है हो सकता है, यह हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हुआ, चलिए तीसरा सवाल हम देखते हैं, तीसरा सवाल है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली 616 सदस्य है,
एक सैना जिसको आर्मी बोलते हैं, आर्मी बोल सकते हैं, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। 616 सदस्य है, एक लाइन में 32 को ही रहना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और 32 इधर से भी रहना है, 32 इधर से, रो और कॉलम सेम होना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितने लाइन हो सकते हैं जिसमें वह मार्च कर सकता है। यहाँ पर हमको दिया गया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमको दिया गया है 616, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या दिया गया है 32, ठीक। अब 32 से 616 में आप भाग कर दीजिए, आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं 616 में 32 से भाग, 32 से एक बार में 32, 11 से 2 9, 5 से 3 2 29 बचा, 6 रखेंगे 296, तो 10 बार में लगने वाला नहीं है, हम डायरेक्ट 9 बार में लगाते हैं, 9 दुना 18 बाकी 1, 9 तिया 27 1 28, 288 हुआ, 16 से 8 8 इधर कट जाएगा, इधर दो दो भी कर जाएगा, शेष 8 बचा, भागफल 19 आया, गुना 19 प्लस 8, ठीक। अब फिर हम 32 मौसम निकाल रहे हैं, 32 में 8 से करेंगे, 4 बार में लगेगा, शेष 0, तो यहाँ पर HCF बराबर कितना आया, 8 आया, तो स्तंभों की संख्या बराबर 8 स्तंभ हो जाएंगे, स्तंभ 8 स्तंभ, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है।